नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के आज के दिन के जेल के बाहर सबसे बड़े नेता भगवंत मान। सही कहा? जेल के बाहर ही रहेंगे हम तो। बाहर तो हमारे बड़े नेता भी होने चाहिए थे, लेकिन एक झूठे पर्चे में उनको अंदर कर दिया, लेकिन बाहर आएंगे। चलिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। दीपक रावत है मेरे साथ, मेरे सहयोगी, हम दोनों मिलकर आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल यह है कि ये जो चुनाव होंगे इसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? आपने जो कामकाज किया हुआ या मोदी सरकार ने जो किया नहीं किया? देखिए, दो किस्म का प्रचार चल रहा है। दिल्ली और पंजाब में हम अपने काम गिना रहे हैं, पर चुनाव तो लोकसभा के हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव तो है नहीं। फिर आपने ये क्यों स्ट्रेटेजी अपनाई कि आप अपनी बात कर रहे हैं? तो हम नफरत की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, फिर मंदिर मस्जिद की बात करें। जब हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वही काम की राजनीति है, नाम की राजनीति नहीं है। ये 10 साल बाद भी मोदी जी को अगर मतलब शर्म की बात है कि 10 साल बिना विपक्ष के काम किया, अगर थोड़ा बहुत भी विपक्ष था उसको उठा के बाहर फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया, 10 साल बाद भी अगर काम गिनाने की बजाय मंगलसूत्र पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये इलेक्शन जो है ये संविधान बचाने की इलेक्शन भी है, देश बचाने की इलेक्शन भी है। अगर संविधान ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो पार्टी का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मुख्यमंत्री बन के फिर हम? जब सिस्टम ही खत्म कर देंगे वो। तो इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि इस संविधान बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की इलेक्शन है, ये भी जरूरी है। पर इस चुनाव में एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि इंडिया अलायंस बना और उसमें आपकी पार्टी भी है तो कांग्रेस भी है। आप कैसे विश्वास करेंगे आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब में आप एक दूसरे को गालियां देते हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, दिल्ली में आप लोग एक साथ नारे लगाते हैं? आम आदमी कैसे विश्वास करे ऐसे अलायंस पार्टनर्स पर? यह सवाल है। इंडिया अलायंस जो है एक बहुत सी पार्टियों का गठबंधन है, ये कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है ये, ठीक है ना? कांग्रेस हाँ, जहां जो बीजेपी को हरा सकता है वहां वो उसको हराने के लिए हमारी प्लानिंग बनी है। बंगाल में जो सीटें हैं वो लड़ रही हैं, ममता जी लड़ रही हैं, यहां पे 6-8 पत्नी 7-7 झारखंड में लड़ रहे हैं, और पंजाब में हम जीत रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, पर बंगाल झारखंड जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां तो आपकी बात है नहीं, वहां कांग्रेस से आपकी सीधी टक्कर है नहीं। दो राज्य हैं उसमें भी आप लोग बातचीत अपनी नहीं कर पाए, समझौता नहीं कर पाए। दिबांग जी, कुछ तो फैसले संविधान बचाने के लिए भी करने पड़ेंगे। अगर संविधान ही ना रहा तो पार्टियों को क्या करेंगे? फिर कौन से अलायंस की बात करेंगे? जब ये कह रहे हैं कि एक बार 370 से पार कर दो हम संविधान बदल देंगे, ये राष्ट्रपति शासन ले आएंगे, पुतिन बन जाएगा। पुतिन ने क्या किया? 1.5 महीना पहले इलेक्शन करवाई, 88.12%, 88.12% वोट पड़े उसके पक्ष में, और वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गया, अगले राष्ट्रपति बन गया, अगले 10 साल के लिए भी बन जाएगा। जो 12% उसको नहीं पड़े वो वोट नहीं थे जो उसके विरुद्ध पड़े, वो वोट थे जो खराब हो गए, मतलब उसके विरुद्ध कोई वोट नहीं डाल सकता। तो यही नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, यहां भी यही हाल कर देंगे, इलेक्शन नहीं करवाना। पहले आपने देखा चंडीगढ़ कैसे इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ का मेयर आपने देखा, क्या वो डेमोक्रेटिक तरीका था कि 36 वोट गिनने थे, 36 में से 8 वोट कैंसिल कर दिए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसे चंद्रचूड़ जी ने कहा लेके आओ बक्सा, जब चेक किए गए 8 के 8 वोट आम आदमी पार्टी के कैंसिल किए थे, और उन्होंने सारे वोटों को वैलिड घोषित करके, पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ने एक मेयर डिक्लेयर किया है कि ये मेयर होगा। तो 36 वोट गिनने में 8 का घोटाला है, 92 करोड़ गिनोगे 4 जून को, वहां क्या करोगे आप? जहां गठबंधन है वहां भी तो सारी चीजें ठीक नहीं है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आपका अलायंस है, हालांकि आप कह रहे हैं पंजाब में तो करेंगे नहीं। अरविंदर लवली जिनके टाइम पर आपका दिल्ली में गठबंधन बना वो छोड़ के चले गए, और ये कह रहे हैं कि वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चाहते नहीं थे गठबंधन हो, और कई कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे। आपकी पार्टी में जो निचला कार्यकर्ता है, जो आपके लिए चुनाव लड़ता है, बूथ लेवल पर जाता है, उसके मन में ये है कि जिस कांग्रेस को हटाकर हमने सत्ता हासिल करी और लगातार इतनी लंबी सत्ता में हम हैं, तो उनके लिए आप एक ग्राउंड तैयार नहीं कर रहे उस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के? कांग्रेस की अपनी इंटरनल राजनीति है, कौन ये अलायंस को पसंद करता है नहीं करता, कौन उनको छोड़ के जाता है। लवली तो पहले भी हो आए थे बीजेपी में, शायद अपना जैसे वो
हम बस में रुमाल नहीं रखते, शीशे विंडो से हम रुमाल रख देते हैं सीट पर कि मैं उधर से आऊंगा जब मेन डोर से, तो मेरा रुमाल वहां पर होगा, मेरी सीट रिजर्व है। तो पहले रुमाल रखाए थे लवली जी बीजेपी में, अब फिर दोबारा चले गए। अब इसको घर वापसी कहोगे या दोबारा घर वापस मुझे पता, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो डिसिप्लिन्ड है, उसको पता है कि ये देश बचाने के लिए पार्टी बनी है, ये सत्ता के लिए नहीं बनी। मतलब हद है, हद, कुछ भी बोल देते हैं। इतने लफज हैं हिंदी में, 6.5 लाख के करीब लफज हैं इधर उधर से भी जो अब्सॉर्ब कर लेती है लैंग्वेज कोई ना कोई। प्रधानमंत्री के लफज मैं बता सकता हूं कितने हैं, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस इससे आगे नहीं है उनके पास। उनके पास विज्ञान, ज्ञान, नौकरी, बेरोजगारी है ना, ये उनके पास उसमें डिक्शनरी में है नहीं। अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार हो जाए बेड़ा पार, ये 220 नहीं क्रॉस कर रहे, तो अब की बार बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। आपके जो बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आप मिलने भी गए, उन पर मैं सवाल पूछूंगा। आप ये बताइए कि जब आपकी बातचीत हुई तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछा, पहली बात तो ये कि हमारा मिलने का ये स्टाइल जो है ये दूसरा नहीं है कि एक सिटिंग सीएम एक सिटिंग सीएम को मिलने आता है। तो जेल का जो मैनुअल है उसमें 188 नंबर पेज है जो तिहाड़ जेल का मैनुअल है, 188th नंबर पेज है, उसमें 602 नंबर क्लॉज है। उसमें लिखा हुआ है कि जेल सुपरिटेंडेंट पर डिपेंड करता है कि वो अच्छे प्रिजनर वेल बिहेव जो प्रिजनर उनको अपने कमरे में मिला सकता है 1-to-1 ऐसे बैठ के जैसे हम बातें कर रहे हैं। जब सोनिया गांधी पी चिदम्बरम को मिलने जाती थी तो ऐसे करते थे, जब प्रकाश सिंह बादल चौटाला को मिलने जाता तो ऐसे करते थे, हालांकि चौटाला दोषी थे और सोनिया गांधी कोई किसी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, किसी ना ही प्राइम मिनिस्टर थी ना ही मंत्री थी। अब हमारे लिए ऐसा क्यों हो गया? अभी हम एक शीशा, एक जाली इधर एक जाली उधर, इंटरकॉम से बात कर रहे हैं जैसे किसी बहुत खतरनाक अपराधी से बात कर रहे हो, ये हमारे लिए क्यों हो गया ये मैनुअल? मान साहब, लेकिन इस पे तिहाड़ जेल का भी बयान आया जब आप लोगों ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, पहले फिर क्या हो रहा था? नहीं, एक चीज और मैं आपसे पहले सवाल पूरा कर लूं, गृह मंत्री अमित शाह से जब ये बारे में पूछा गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार नजर रख रही है, आप कह रहे हैं सीसीटीवी से निगरानी रख रहे हैं, एलजी दफ्तर देख रहा है, पीएमओ देख रहा है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल दिल्ली के भीतर है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो फिर केंद्र पर क्यों सारी चीजें, क्यों आरोप सब केंद्र पर लगाते हैं? परमिशन कैसे लेनी पड़ती है सेंटर से, और साथ में शर्तें लगाते हैं, शर्तें हम लगाते हैं अपने आप पर। अगर हमारा तिहाड़ जेल में चलता है तो हम आराम से बैठ के बात करें, हम कौन सा, मैं कौन सा उनको भगाने लेके आया हूं कि आपको भगा के लेके जाऊंगा दीवार फांद के। मतलब ऐसा, अभी तो वो आरोपी हैं, दोषी थोड़ी हैं। नैतिकता भी कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं, एक मिनट, जब 49 दिन के बाद हमने इस्तीफा दे दिया था तब तुम ही लोग कह रहे थे भगौड़ा है भगौड़ा है। अब कौन से कानून में लिखा है कि आपको कहीं भी किसी भी दोष में अंदर करके उसके बाद आप इस्तीफा दो? क्यों दे? जब दिल्ली की जनता से पूछ लिया हमने, हमने गली गली जाके पहले सर्वे कर लिया कि इस्तीफा देना चाहिए, कहते बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मैं भी सिटिंग सीएम हूं, मुझे किसी भी केस में आज अंदर कर देंगे, इस्तीफा दो, अब अपनी पार्टी से कोई और बना लो, और बनाओगे उसको खरीद लेंगे और उनको, मतलब ये इन्होंने बहुत बार कोशिश की है। हिमाचल में क्या किया इन्होंने, कर्नाटक में क्या किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, सबसे बड़ी उदाहरण तो चंडीगढ़ है ना। मतलब ये एक चंडीगढ़ छोटा सा 15x15 का शहर है, वहां के मेयर के लिए आप इतना बड़े घोटाले कर रहे हो कि हमें सभी को उठाना पड़ रहा है। गृह मंत्री जी अमित शाह का ये भी कहना है कि आपने कहा शुरू में कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, नहीं करते करते आप लोगों ने राजनीतिक दल बना लिया। वो कहते हैं कि इन लोग शुरुआत इन्होंने की थी भ्रष्टाचार से लड़ाई के साथ, और अब ये भ्रष्टाचार के मामले में इनके बड़े नेता जेल में है, तो इनका चरित्र दोष साबित हुआ जी। ईडी ने क्या कहा संजय सिंह के बारे में कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं, इनको जमानत दे दीजिए, वही केस था, दोष साबित हुआ। अभी कभी अभी ये क्या कर रहे हैं, ये एक बात मोदी जी की, मैं देखो सच बोलना चाहिए, मैं सच बोलता हूं, एक बात मोदी जी की बहुत सच्ची है, बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मैं देश में उत्तर
से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनी पार्टी में ले लूंगा। ये किया उन्होंने। अरे आदर्श को टाला, एक बीजेपी का पटा डाला चल वाशिंग मशीन में, ये छगन भुजबल बीजेपी का पटा डाला चल वाशिंग मशीन में। जितने सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी हैं वो तो भाई साहब इनकी पार्टी में है, और उनको फिर राज्यसभा भी देते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। ईडी को अर्निंग डिपार्टमेंट बना लिया, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला निकल रहा है ना, ये तो भला हो चीफ जस्टिस का जिसने कहा अभी दो, वरना मुकर गए थे, एसबीआई मुकर गई थी, हमारे पास ये डाटा गुम हो गया, कहते अभी दो मैं गुम कर, मैं तो ढूंढ लूंगा। अगले दिन पेश किया, पहले ईडी जाती है 15 दिन बाद बंदा 200 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है, पहले सीबीआई जाती है 15 दिन बाद बंदा 200 करोड़ के बॉन्ड खरीद के इनको देता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। ये जो आप कह रहे हैं कि इनसे कोई सवाल पूछा, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने कंपनियों पर मामले शुरू किए, 24 कंपनियों ने 4,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया मामला शुरू होने के बाद। मैंने ये भी सवाल पूछा कि केजरीवाल जो अंदर हैं वो शरद रेड्डी के बयान पर हैं जो अरविंदो फार्मा के हैं, उन्होंने 5 करोड़ का चंदा दिया, अप्रूवर बन गए वो, और फिर उन्होंने अपने बयान बदले, तो सवाल हम उनसे पूछते हैं। आप जो अमित शाह पर बोल रहे हैं, क्या उन पर कोई केस है, मामला है? आप एक पुराने मामले की बात कर रहे हैं, पर आप क्या कह रहे हैं कि उन पर कोई मामला चल रहा है क्या अभी? अभी तो मामले वो चलाते हैं जी, मामले तो बाद में चलेंगे, तो एक बार सत्ता से बाहर तो हों। अभी तो किसी को समझते नहीं है कुछ भी, किसी पर भी ईडी आ जाती है, किसी पर भी मामला, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो है जी, विपक्ष वालों को ईडी भेज दो, इसको अगर मानता है, अगर बीजेपी का पट्टा डलवाने को मानता है तो ठीक है, वरना आ जाओ। तो ये तो बाद में हिसाब होगा ना। भगवंत मान साहब, ये सवाल अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आप जैसा कह रहे हैं कि लोकसभा की लड़ाई है तो देश भर की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बनी है, बहुत कम वक्त में बनी है, जिसको इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना था, लड़ने की कोशिश कर भी रही है, लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। अब ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अब उन आरोपों को धोने की बात कर रही है जो उन पे लगे हैं, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़कर वो यहां तक पहुंचे थे, क्योंकि जेल चले गए हैं तो कैसे अपने को साफ दिखाना है, दूसरी तरफ चुनाव लड़ना है, तो क्या इस उधेड़बुन में पार्टी फंसी हुई है, कैसे निकाल पाएगी? आप दावा करेंगे सीटें जीतेंगे? आम आदमी पार्टी संगठन का नाम है, आम आदमी पार्टी अब कोई 10-20-50 बंदों की एनजीओ नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, व्यक्ति को अंदर कर दोगे सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? मैं कल गुजरात जाके आया हूं, कितने ही केजरीवाल वहां मिले मुझे, सोच के केजरीवाल। असम गया, कितने केजरीवाल वहां मिले मुझे, केजरीवाल को बोल देना हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के, ऐसे नारे लग रहे हैं। मतलब दिक्कत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, हाँ हम कमी खलेगी लेकिन कमी खलने नहीं देंगे। अब संकट में से पार्टी निकालना ही तो नेता का काम होता है, कोई बात नहीं अगर उनको झूठे केस में अंदर कर दिया, एक दिन बाहर आएंगे, जब बाहर आएंगे ना बहुत बड़ी शक्ति बन के बाहर आएंगे, तब इनको पता चलेगा जी गलती थी इनकी बहुत बड़ी। सवाल ये भी है कि आप लोग कह तो दे रहे हैं कि जेल से सरकार चला लेंगे, कोई मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं है कि इस्तीफा दें और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार गृहमंत्री को चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं जी काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो रही, मंत्री मिल नहीं रहे हैं, मेयर तक का दिल्ली में चुनाव रुक गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के थ्रू फाइल आनी चाहिए वो आई नहीं है, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया उसकी जगह दूसरा मंत्री नहीं आ पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री लिख के नहीं देंगे, तो प्रैक्टिकली सरकार चल कैसे रही है दिल्ली से? यही एलजी पहले लिखता था कि काम हो रहा है जी, ये क्यों हो रहा है जी, अब कह रहा काम नहीं हो रहा है जी। ये एलजी तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरा गवर्नर है, मेरा गवर्नर कहता है जी मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आया जी कि बजट सेशन क्यों नहीं होने देगा, फिर कहता जी मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा इसमें, मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा, मैंने कहा जी फिर जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद कहता ठीक है मैं माई गवर्नमेंट कह दूंगा, स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा राज्यपाल। तो ये एलजी देखो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड की चलती है या सिलेक्टेड की, अगर इलेक्टेड से कोई गलती होगी अगली बार जब इलेक्शन आएगी लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये तो हारे हुए कहां कहां से पता नहीं कोई उधर से लगा के हमें तंग करने के लिए बिठा दिए सफेद हाथी, इतने बड़े बड़े राजभवन है ये अंग्रेजों ने बनाए थे, अब बंद करो यार। मेरा बस चले, मेरा कभी कोई ऐसा पेन आए हाथ में, ये राजभवन इतने बड़े बड़े खर्चे के घर क्या करता है राज्यपाल प्रदेश में, सिर्फ तंग करता है, और सेंटर में अगर उनकी सरकार है सेंटर को शिकायतें करता है बस,
हाँ, बाकियों की नहीं करते, हम चार पांच की करते हैं, यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और जो 8,000 करोड़ रुपया मेरा पंजाब का रोक के बैठा है सेंटर, उसके बारे में कभी राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी? मेरे खुद विधानसभा से पारित हुए हुए 8 बिल रोक के बैठा है, उसके बारे में कभी किया कि मैं पास कर दूंगा जी, मैं साइन कर दूंगा? तो सफेद हाथी है ये, तो खत्म होना चाहिए ये सिस्टम, नया सिस्टम आना चाहिए। राज्यपाल सिर्फ तंग करने के लिए बने बस। क्या ये सुनीता केजरीवाल को पार्टी कोई फॉर्मली पोस्ट देगी, ऐसा कुछ सोच है पार्टी में? देखो, हमारी पार्टी में इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं है, ना ही नंबरिंग है कि एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये। हम परिवार है, हम एक परिवार है, और हमारे यहाँ बॉस कल्चर नहीं है। आपने बताया ध्रुवीकरण की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में ध्रुवीकरण की संभावना है? No. इस तरह की कोशिश होगी? पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है। इससे पहले हिंदू सिख एकता को तोड़ने के लिए AK-47 बम बहुत कुछ चलाया गया, लेकिन वो टूटा नहीं। ये कोशिश भी ना करें बीजेपी वाले, पंजाब की धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है, कोई भी बीज बो दोगे ना उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हमारे यहाँ कभी भी पोलराइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता पंजाब में, इतनी अच्छी हमारी एकता है, लॉ एंड ऑर्डर है। कोशिश करते रहते हैं क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान भी कोशिश करता रहता है, ड्रोन भेज के, ड्रग भेज के, पिस्टल भेज के, गैंगस्टर भेज के, लेकिन हमारी बॉन्डिंग नहीं टूटती। अमान साहब, पंजाब की ही बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपने बहुत काम किया है, आपने कहा कि आपका सपना भी है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट बढ़े, और आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके मन में ये उधेड़बुन रहती है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? जब जब देखो तो किसानों का आंदोलन हो जाता है, शंभू बॉर्डर में अभी हाल में क्या हुआ, तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे होते हैं, तो बिजनेस हो कैसे पाएगा? वो जो सपना आप लेके चल रहे हो कैसे पूरा होगा? बिजनेस में कोई कमी नहीं आ रही है, टाटा स्टील जैसी कंपनी ऐसे तो आएगी नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर भी पूछेगी पहले, लोकल को पूछेगी कैसे है, जो लोकल बताएंगे जी बहुत अच्छा है, हमारे तो सरकार इतनी अच्छी आ गई है कि 15 दिन में सारी NOCs मिल जाती है, 16वें दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू करो। किसानों की समस्याएं केंद्र के साथ है, मैं वो खुद उनके साथ बातचीत कर लेता हूं, मैं बैठता हूं उनके साथ, मैं 6-6 घंटे बैठा जब पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद जी आए किसानों से बात करने के लिए, मैं एक ब्रिज के तौर पर बैठा, तो किसान मेरी बात मानते भी हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, उनकी जो मांगे हैं वो भी जायज है। जब वो गेहूं और चावल वाला ये कहे कि थोड़ा मेरे साथ रेट की बात कर लो बैठ के, तब आप तारे लगा देते हो, कीले लगा देते हो, बॉर्डर बंद कर देते हो, इतनी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे सकता ही नहीं जितनी हरियाणा के बॉर्डर पे कर दी, सीधी गोलियां चलाते हो, मतलब ये दिल्ली नहीं आ सकते क्या तुम? फिर गुजरात छोड़ के दिल्ली क्यों आए हो? अब दिल्ली आए हो जीत के, तो दिल्ली से देश चलता है तो सारा देश दिल्ली ही आएगा ना अपनी समस्याएं लेके, तो इस बात के क्या पते दिल्ली क्यों आते हो? क्यों दिल्ली क्यों? मैं लाहौर भेज दूं उनको क्या? मान साहब, आपको मैंने देखा तब से, आप जब लाफ्टर चैलेंज किया करते थे, आपने मेरे साथ भी कई शो किए, ये जो व्यंग करना है, तंज करना है, वो अब राजनीति में काम आता है आपको? बिल्कुल आता है। कैसे? जो मेरा बोलने का तरीका लोग उसको पसंद करते हैं, और जो जो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, मतलब जो बात आप छोटी सी एक वन लाइनर में कह जाते हो वो बात 1.5 घंटे के भाषण में नहीं कही जा सकती। एग्जांपल दे देता हूं, जब CA पे चल रहा था डिबेट पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट में था, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, ये समाज वो समाज फला समाज, तो 9:30 बज गए रात के, मैंने कहा जी मुझे भी टाइम चाहिए, कहते नहीं छोटी पार्टी है तुम एक ही MP हो, अब बिल पास करना है। मैंने कहा जी ऐसे मत करो मैं भी बोलना है, स्पीकर साहब कहते नहीं बोलो, मैंने कहा सर 30 सेकंड दे दो, स्पीकर थोड़ा चौंके 30 सेकंड, मैंने कहा हाँ जी 30 सेकंड में क्या बोलोगे तुम, मैंने कहा 20 दे दो फिर 20 सेकंड में बोल लेता हूँ, 20 सेकंड में बोल लोगे, मैंने कहा हाँ जी देख लो देखो, कह रहे चलो ठीक है आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत ये बताइए कि 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या आंकड़ा है आपका, रियलिस्टिक कितना आंकड़ा है? पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0।
भगवान मान, आपने सभी सवालों के जवाब दिए जी। भगवान मान जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद।